हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदे पडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल लड़ू जाटा ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू टाटा पंच प्योर सीएनजी वेरिएंट की। इससे जुड़ी एक एक जानकारी आपको यहां पे देने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह है दोस्तों टाटा पंच 2024 का प्योर सीएनजी वेरिएंट, और इसकी प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए, आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल से देखने में काफ़ी बोल्ड, एग्रेसिव और यहाँ पे स्टनिंग लग रहा है। और वहीं इसके हेडलैम्प यूनिट में प्रोवाइड किया गया है, सबसे ऊपर DRL की जगह दिया गया है, हेलोजन बल्ब टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। DRL एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया हेडलैम्प यूनिट, जो कि हेलोजन बल्ब के रूप में है, हाई बीम लो बीम में। और यहाँ पे एयरवेंट दिया गया है, एरोडायनेमिक से बनाने के लिए मदद करता है। नीचे आपको फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल बहुत ही शानदार पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, और बीच में आपको 3D टाटा का लोगो दिया गया, जस्ट इसके एडजेसेंट ट्रायरोसेप डिज़ाइन, जिसके पीछे हॉर्न क्लियरली विजिबल हो रहा है। जस्ट इसके नीचे फ्रंट बम्पर जो है बॉडी क्लैडिंग के रूप में ब्लैक पार्ट दिया गया है नंबर प्लेट की जगह। एडम के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रायोरिसेप डिज़ाइन दिया गया है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराए गए हैं। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी शानदार है। दोस्तों, आइए चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल को, जिस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो इसके SUV स्टांस को बढ़ा देते हैं। और इसके साइड प्रोफाइल में 15 इंच के स्टील व्हील दिए गए, व्हील साइज है 185/70R15, व्हील आर्स पे बॉडी क्लैडिंग। ORMM आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, जो कि ब्लैक में है। और फ्रंट में वाइपर, विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड CNG का स्टिकर दिया गया है, और यहाँ पे गाड़ी की डिस्क्रिप्शन। और रूफ लाइनिंग की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल प्रोवाइड नहीं किया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं इसका जो सी पिलर है पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। और फ्रंट में आपको ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में, रियर में भी ब्लैक कलर में दिया गया, लेकिन रियर में ग्रैब हैंडल जो है बहुत ही स्टाइलिश दिया गया है। और इसके डोर पे आपको मोल्डिंग दिया गया है, जो कि बहुत ही ब्रॉड दिया गया है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एंटीना के लिए जगह दिया गया है, और इंटीग्रेटेड स्पॉयलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। और इस वेरिएंट में डिफॉगर एंड रियर वाइपर नहीं मिलते हैं। ट्रायरोसेप कन्वेंशनल टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, और ये यहाँ पे इंडिकेटर और LED टेल लैम्प यूनिट आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। वहीं टेल गेट के बीचों बीच आपको दिया गया है 3D टाटा का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। टेल गेट के बीचों बीच दिया गया है पंच की हॉरिजॉन्टली ब्रांडिंग, उसके एडजस्टेंट ICNG की ब्रांडिंग। और रियर बम्पर बॉडी क्लैडिंग में आपको यहां पे ब्लैक पार्ट दिया गया है, और दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है रिफ्लेक्टर्स, जिस इसके एडजस्टेंट ट्रायरोसेप डिजाइन, नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, और रिवर्स पार्किंग लाइट जरूर अवेलेबल कराए गए हैं सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटीरियर की। तो इसमें बेसिक की दिया गया है, कोई रिमोट लॉक आपको यहां पे नहीं प्रोवाइड किया गया है, आपको इसे चाबी से ही खोलना पड़ेगा। दोस्तों, ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर, और यहां पे आप देख पा रहे हो ये यहां पे जगह की थोड़ी कमी है। 90 डिग्री ओपन हो जाता है टाटा पंच के सभी डोर्स। पावर विंडो के कंट्रोल आपको फ्रंट में प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे डोर लॉक पे, नीचे 1 लीटर का बोटो होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर के लिए जगह दिया गया है यहाँ पे। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, कुछ इस तरह दिया गया है, बहुत ही शानदार अमेजिंग ट्रिपल टोन में। और स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको दिया गया है यहाँ पे की होल, वो भी इल्यूमिनेटेड। यहाँ पे दिया गया है आपको राइट साइड CNG का स्विच, जिसे आप डायरेक्ट CNG पे स्टार्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डेट पेडल दिया गया है, लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। रियर में आपको दिया गया है फैब्रिक अपोस्ट्री ब्लैक कलर में, और ये हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है दोस्तों,
इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, आर्मरेस्ट नहीं मिलते हैं इसमें, 2 कप होल्डर, क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके आगे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं कुछ इस तरह, चार्जर यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है यहाँ पे, जो कि सीएनजी में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है, चाहे वो टॉप वेरिएंट हो चाहे लोअर वेरिएंट हो। उसके ऊपर आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप एसी वेंट दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश, उसके ऊपर हैजार्ड लैंप आपको दिया गया सेंटर में, और सेंटर कंसोल में यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे डिजिटल दिया गया है बेस मॉडल में ही। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि बेस मॉडल में भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कोई भी कंट्रोल आपको ऑफर नहीं किया गया है, और बीच में 3D लोगो टाटा का और 3 स्पोक दिया गया है फ्लैट बॉटम में। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लोव बॉक्स दिया गया है, साथ में टैबलेट ट्रे भी अवेलेबल कराया गया है। पैसेंजर साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है, सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया है हैलोजन बल्ब के रूप में, और यहाँ पे स्पीकर दिया गया है, वॉइस रिकॉग्निशन की यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं क्योंकि ये बेस मॉडल है दोस्तों। और ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे आपको नॉर्मल IRVM प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, और यहाँ पे ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है कुछ इस तरह, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। कंफर्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार ग्रैब हैंडल प्रोवाइड किया गया है, ग्रैब करके आसानी से इस तरह ओपन कर सकते हैं और 90 डिग्री ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो पावर विंडो के कंट्रोल नहीं दिया गया है, इसे कुछ इस तरह अप डाउन आपको करना पड़ेगा, चाहो तो एज एन एसेसरी के तौर पे पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन दिया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, पियानो ब्लैक फिनिश, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह, 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर के लिए जगह दिए गए, ट्विटर्स के लिए जगह दिए गए, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं बहुत ही अमेजिंग इसका रियर कैबिन कम्फर्ट, अच्छी खासी थाई सपोर्ट आपको मिल जाती है, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। और वहीं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया इस वेरिएंट में। एक और फीचर, सेफ्टी फीचर, 3-पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। यहाँ पे AC वेंट किसी भी वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चारों ओर नजर डालें तो यहाँ पे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए नहीं अवेलेबल कराया गया है। लेग रूम बहुत ही अमेजिंग, नी रूम अमेजिंग डिसेंट दिया गया है, यहाँ पे हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं होने वाले है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके लिए बिग थम्स अप। वहीं बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे बेस मॉडल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है, रियर सीट जो है फ्लैट फोल्ड दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और सबसे बड़ा USP इसका जो है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है 26.99 KM/kg की, जो कि कंपनी क्लेम करती है दोस्तों। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 210 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, इस वेरिएंट में बूट लैंप आपको नहीं दिया गया। अब बात आती है स्पेयर व्हील की, जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है स्टील व्हील के रूप में, आसानी से आप रिलीज कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। बूट गेट के इनर साइड ग्रैब हैंडल दिया गया है, कुछ ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं। तो इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रैबाटॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 87 BHP की पावर एंड 115 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 20.09 KM/L की माइलेज। CNG में परफॉर्मेंस की बात करें तो 72.41 BHP की पावर एंड 103 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और वहीं कंपनी क्लेम करती है CNG वेरिएंट में 26.99 KM/kg की माइलेज। और जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे ये बन चुकी है इंडिया की सबसे सेफेस्ट मिनी SUV। जी हां दोस्तों, इसके अलावा इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD,
रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, ब्रेक स्वे कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड व्यू टाटा पंच प्योर सीएनजी वेरिएंट की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यू टेस्ट ड्राइव वॉक अराउंड कंपैरिजन एक्सेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।